वेलकम टू माई चैनल अदितिस क्राफ्ट। सो फ्रेंड्स, आज मैं हूँ आपके साथ ये एक अपना इंस्ट्रूमेंट लेके जो निट प्रो है, पॉम पॉम बनाने के काम आता है ये, और मैंने इसको प्रधान एम्ब्रॉयड्री से ख़रीदा है, जिसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूँगी। आप इसको प्रधान एम्ब्रॉयड्री से मंगवा सकते हैं और ये बहुत ही ईजी है यूज़ करने में। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको थ्रेड चाहिए, आपकी वूल चाहिए, एक सीज़र चाहिए और आपका ये निट प्रो चाहिए। ये निट प्रो है थोड़ा बड़ा, इसका साइज़ जैसे आप देख सकते हैं 85 mm है, और एक है इससे छोटा, इसका साइज़ आप देख सकते हैं ये है 65 mm। तो इससे छोटा पॉम पॉम बन सकता है और इससे थोड़ा बड़ा पॉम पॉम बन सकता है। ये पॉम पॉम आप अपनी कैप्स बनाने के काम में ला सकते हैं। तो दोस्तों मैंने अपना ये कैप ऑलरेडी बना के रखी है, मुझे इसके ऊपर एक पॉम पॉम लगाना है। तो मैं आपको आज ये सिखाने वाली हूँ कि ये पॉम पॉम जो मैंने बनाऊंगी इस कैप के लिए, वो मैं कैसे बनाऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैं एक छोटे 11 टू 12 इयर्स ओल्ड गर्ल के लिए मैंने ये कैप बनाई है। तो मैं इसमें यूज़ करने वाली हूँ ये 65 mm वाला निट प्रो। तो इसको यूज़ करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इसमें ये आप देख सकते हैं, आप इसको इस तरह से खोलेंगे, इसको ऐसे बंद रखेंगे और इसको इस तरह से खोलेंगे। इसके बाद मैं ये थ्रेड ले लूँगी, अपना वूल ले लूँगी जो मैंने यूज़ करना है, और इसको मैं इस तरह से इसमें रैप करना शुरू कर दूँगी। मैंने ऐसे रखा और इसको मैंने इसमें रैप करना शुरू कर दिया इस तरह से। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, इसको अपने पूरे इसमें रैप इस तरह से करते थे। हाँ जी फ्रेंड्स, तो देखिए मैंने एक तरफ इस तरह से इसको पूरा अच्छी तरह से रैप कर लिया। अब मैं इसको बंद कर दूंगी और ये थ्रेड मैं यहां से कट कर दूंगी और इसको भी इसी में मैं तरह से कर दूंगी और ऐसे हम इसको बंद कर देंगे। अब मैं इसी तरह अपना ये वाला एंड खोलूंगी और फिर से अपनी वूल लूंगी, इसको मैं इस तरह से इसमें बीच में फिक्स कर दूंगी थोड़ा सा ताकि ये लेना वूल इसको, और इसके बाद इसको भी मैं उसी तरह जैसे मैंने पहले रैप किया था, मैं वैसे ही इसको रैप करना शुरू कर दूंगी। तो आप इसको भी जैसे हमने अपनी एक एंड को रैप किया है, वैसे इसको भी आप रैप कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब मैंने ये बना दिया है अपना, दोनों तरफ मैंने इसको रैप कर दिया और मैं इस थ्रेड को भी अब काट दूंगी यहाँ से। तो ये मैंने काट दिया। अब हम क्या करेंगे, सीजर लेंगे और इसको कट करना शुरू कर देंगे यहाँ से, इसके बीच से। तो इसको कट करते जाइए एक तरफ से, ये मेरा एक तरफ से कट गया और यहाँ से भी दूसरी तरफ से भी हम इसी तरह इसको कट कर देंगे। देखिए ये मैंने कट कर दिया और ये इस तरह से अब बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर से अपना वूल लेंगे और इसको
इसको वूल को एक एंड थोड़ा लंबा छोड़ के दूसरे एंड को हम इस तरह से यहाँ से निकाल लेंगे और इसको टाइट कर देंगे। ये मैंने बिल्कुल टाइट कर दिया है और इस थ्रेड को मैं काट के यहाँ पे एक नॉट लगा लूँगी। ये मैंने टाइट कर दिया, बिल्कुल नॉट लगा दी है टाइट करके, और ये नॉट बिल्कुल पॉम पॉम के बीच में लगेगी जो बिल्कुल इनविजिबल होगी इस तरह से। अब हमें क्या करना है कि इसको बीच से हमें ओपन कर देना है। सो दोस्तों, इस तरह से ये मेरा पॉम पॉम बन के रेडी है। और इसमें अब जो भी आपको अनइवन धागे दिखेंगे ये हम इनको कट कर देंगे। ये हमारी स्टार्टिंग है जहाँ पे हमने नॉट लगाई है और इसी नॉट की हेल्प से हम इसको कैप में लगा देंगे। सो ये आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर पॉम पॉम बन के सामने आया है। तो दोस्तों, इस तरह से आप ये निट प्रो यूज़ करके आप एक बहुत सुंदर इस तरह का निट आप क्या यूज़ ये पॉम पॉम बना सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक इट। थैंक यू।